हर रोज 10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी एवरेज मार्क्स आए तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप सालों से एक ही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और एक ही तरह के मार्क्स ला रहे हो, देन प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि आपकी स्टडी टेक्निक में है। अगर आप बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करना होगा। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे स्टडी टेक्निक्स जो आपकी प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल पर बेस्ड होंगी। अच्छे मार्क्स लाने के लिए 10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, इफेक्टिवली पढ़ना जरूरी है। और उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी नेचुरल लर्निंग स्टाइल क्या है, वॉट टाइप ऑफ लर्नर यू आर। 4 टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट एंड किनेस्थेटिक। कई लोग इनमें से एक प्रेफर करते हैं, बट इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी इफेक्टिव होते हैं। विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइज करने से ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में उन्हें वीडियोस, पिक्चर्स, माइंड मैप्स या चार्ट्स देखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। इसके अलावा अपने नोट्स को कलर कोड करना या चीज़ें हाईलाइट करना भी उनके लिए विजुअल क्यूज का काम करती हैं। इससे उनके लिए एग्जाम में इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना आसान हो जाता है। ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सुनने से या बोलने से ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। सो इनके लिए क्लास में ध्यान देना, लेक्चर्स को अच्छे से सुनना ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ अगर वो ग्रुप स्टडी करे या किसी के साथ चीज़ें डिस्कस करे तो उन्हें इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। रीड एंड राइट लर्नर्स वो हैं जो लिख कर ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। तो बेसिकली इनकी एक ही स्ट्रेटजी है, lots of notes. And the last and final है kinesthetic learners. ये वो students हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ना पसंद नहीं, इनके लिए किसी ना किसी तरह की physical activity में engage होना ज़रूरी है। तो अपना focus बनाए रखने के लिए वो पढ़ाई के वक्त pen से fiddle कर सकते हैं या hands को tap कर सकते हैं। लगातार पढ़ना इनके लिए suffocating होता है, तो regular breaks से इनका interest level बना रहता है। मेमोराइजेशन के लिए आप टीचर की तरह किसी को चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे आप अपने स्टडी मटेरियल से बेहतर तरीके से एंगेज कर पाओगे। तो अब आप खुद ही ऑब्जर्व करो और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी टेक्निक्स इफेक्टिव रही हैं और कौन सी नहीं। इससे आप समझ पाएंगे कि आप किस टाइप के लर्नर हो। हर किसी का पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, और अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है तो आपके लिए पढ़ते वक्त फोकस करना मुश्किल होगा। आप क्लास में ध्यान ही नहीं दे पाओगे। चीज़ों को याद रखना, कंसंट्रेट करना, कंसिस्टेंट रहना, ये सब आपके नेचुरल लर्निंग स्टाइल पर डिपेंडेंट है। इससे आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, आप किस टाइप के लर्नर हो। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी नेचुरल लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके बाद आप इफेक्टिव स्टडीज के लिए ये चीजें फॉलो करो। नंबर 1, पे अटेंशन इन क्लास। अभी के माहौल में स्टूडेंट्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, बट यू नो योरसेल्फ कि किस क्लास में ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है और किस क्लास में नहीं। सो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए टीचर की बातों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आप लेक्चर मिस करोगे तो एग्जाम प्रिपरेशन के वक्त आपको पूरा मटेरियल खुद से समझना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, साथ ही डिफिकल्ट भी। सो क्लास में ध्यान ना देना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है। इसके साथ साथ टेक नोट्स इन क्लास। क्लास में लिए गए नोट्स आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल होते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो क्लास में टीचर जो भी बोलते हैं सब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज सिंपली बिकॉज वो उस इन्फॉर्मेशन से फेमिलियर नहीं होते और उन्हें सब कुछ नया एंड इम्पॉर्टेंट लगता है। बट ऐसा करने से आपका ध्यान सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करने में होता है, उसे समझने में नहीं। तो जो बेटर तरीका है वो ये है कि आप क्लास से पहले एक बार उस टॉपिक को खुद ही रीड करो, जस्ट अ ब्रीफ रीडिंग, सो दैट आप उससे एटलीस्ट फेमिलियर हो जाओ। इससे आप क्लास में टीचर की बातों पे ध्यान दे पाओगे
एंड उन्हीं चीजों को नोट डाउन करोगे जो एडिशनल होंगी, यानी जो बुक में नहीं दी गई होंगी। दिस इज व्हाट यू कॉल स्मार्ट वर्क। नोट्स बनाने से आपके रिविजन का प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। एग्जाम के वक्त आपके सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स नोट्स रेफर करने से क्लियर हो जाते हैं, तो इससे एग्जाम टाइम में आपका कीमती समय वेस्ट होने से बच जाता है। क्लास नोट्स छोटे एंड टू द पॉइंट होने चाहिए। एक वर्ड, फ्रेज या मैक्सिमम 2 से 3 सेंटेंसेस में उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दो। इससे आपके लिए उसे एक बार में समझना आसान हो जाएगा। बाद में आप इन्हीं नोट्स को घर जाकर और इलैबोरेट कर सकते हो या अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो।